Heartiest congratulations to our proud doctor, Dr. Dinesh Chaudhary from Coast State Medical University. And we are really proud to say that Dr. Dinesh has scored 192 marks in the recently conducted FMG examination. Many, many congratulations, Dinesh, to you. Thank you, sir. Kaisa lag raha hai? Sir, badhiya hai, sir. Sarai. Bas, exam nikalna chahiye, sir, bas. कैसे किया, क्या खाया? जैसे अमित सर बोलते हैं कि डेली की 4-5 बादाम खाओ, बाद में खाने से कुछ नहीं होगा, भले ही माला पहन लेना। तो वही है सर, था सर डिफिकल्ट था, बट ये था कि सीनियर्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि मिस ज्वाइन कर लो और जो मिस बोले उसको फॉलो करो, बस उसके साइड में कुछ मत सोचो, सोचो ही मत। तो वही था, मिस्ट का मैनेजमेंट था, बेस्ट था। उन्होंने बोला इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठो, क्लास जाओ, आओ पढ़ो, बस वही था। बहुत बढ़िया बेटा, तो कैसे कैसे मैनेज कर पाए, क्योंकि बहुत कमर में भी बहुत दुखा होगा और सब कुछ, इतना क्लासेस अटेंड करना, फिर टेस्ट भी करना, तो कभी सर कि ये मिस्ट वाले करते क्या हम लोग के साथ? नहीं सर, वो डाउट्स भी थे पहले तो कि कैसे होगा 6 months के अंदर अंदर, बट जैसे सीनियर्स बोल रहे थे कि हमारा भी हुआ है, तो वैसे ही सुबह डेली की 9 to 9 क्लासेस थी, 9 to 8, 9 to 9, उसके लिए पहले 7 o'clock आके बैठना सुबह सुबह और फिर सीट्स ब्लॉक करना खुद के लिए और फिर वैसे ही वो डेली वही था सर कि बस क्लासेस पूरी हो और जैसे सर बोलते थे कि वापस जाके उसको वापस उसी दिन उसी 4 hours में 2 hours में उसको रिवाइज करके फिर ही सोना, तो वो सर बहुत वर्क किया और बाकी तो थोड़ा एक्सटेंड हुआ, उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिला। जो एक्सटेंड हुआ उसमें क्या किया, जैसे अपने को 1-1.5 महीने का अपन कह सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो सर उससे पहले थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि नहीं होना चाहिए था एक्सटेंड, बट जैसे जैसे 1-2 मॉक दिए उसके बाद में वापस रिवाइज किया लास्ट 45 डेज में, तो लगा कि नहीं पहले थोड़ा इतना अच्छा नहीं था कॉन्सेप्ट वगैरह सारे, अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, काफी सब्जेक्ट्स वीक थे उस टाइम पे। ओके, वेरी गुड। तो क्या सलाह देना चाहोगे बेटा, जो आने वाले बच्चे हैं या जो भी बच्चे अपने इस वार्ता को सुनेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे फोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो मिस ज्वाइन कर लो, बाकी तो सोचना भी नहीं है, सोचो भी मत कि क्या करना है, वो अपने आप आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उससे पहले उनका टाइम टेबल आपके ग्रुप में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। बाकी लास्ट में क्या होता है कि मोटिवेशंस कम पड़ते हैं, तो फिर वो आग लगा दो पानी में और अमित सर का कि बस ऐसे हो जाएगा, और कुणाल सर का जैसे वॉइस भेजते थे कुणाल सर हर ग्रुप में, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते, तो बस उनकी वॉइस सुनो, सब सेट हो जाता था। राजीव धवन सर, तो जूनियर्स को यही बोलेंगे सर कि पहले तो वहीं पे जो है जहाँ पे वहां शुरू करो, और क्या पता नेक्स्ट भी आ जाए, अभी कुछ पता नहीं है उसका भी, बट यहाँ पे तो मिस्ट ज्वाइन कर लो। मेरे को खुद को नहीं पता था कि इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा और मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, बट हो गया फाइनली। अच्छा दिनेश, किस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया पूरी प्रिपरेशन में? सर कंसिस्टेंसी सर, डेली वही 9 to 9 क्लास आके, कितने भी आप टायर्ड हो कैसे भी हो, बट आपको वो 3 to 4 hours वापस पूरा का पूरा जितना आपने पढ़ा है आज का उसको रिवाइज करो, पीछे का पढ़ो मत पढ़ो, आज का रिवाइज कर लो, बाकी कोर्स पूरा होगा उसके बाद में। वो डाउट्स आते हैं कि पीछे का याद नहीं है, कैसे कवर होगा, रोज का जो पढ़ते हैं वो भी कवर नहीं होता है 9 hours का, लेकिन एट लास्ट जब ये कोर्स पूरा होता है उसके बाद में रिविजन में सारा कवर हो जाता है, क्योंकि वो टाइम टेबल में इतना क्या बताए, मतलब उनके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मिस्ड ऑल इन वन भी नहीं की थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है सुनके कि इतना डेडिकेशन, इतना फोकस्ड रह के, एंड अपन तो यही कहेंगे बेटा कि गॉड इज ग्रेट, ऊपर वाले की मेहरबानी, पेरेंट्स का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। नहीं सर, टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया, हर जगह कभी भी मैसेज करो वो वहां थे,
और कभी भी डिमोटिवेट होते तो सर सारे थे वहां पे करने के लिए, पंप करने के लिए। और कभी कोई ऐसा रहा हो कि जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक स्केड्यूल है ये तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी कोई नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम आई हो, और जैसे अपने जो और वहां पे भैया थे, लाल जी भैया थे, प्रमोद भैया थे, या तो इनसे कैसा सपोर्ट मिला? नहीं नहीं उनकी तरफ से यही था कि कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो करते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उधर से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो टाइम पे गेट्स खुलने थे वो खुलते थे, और कुछ था ही नहीं वहां पे, तो सब सही था। उनसे जो चाहिए था वो देते थे, वो अवेलेबल करा देते थे। और कभी कोई प्रोग्राम में लॉगिन करने में अगर कोई इश्यू आया हो कभी? नहीं नहीं कभी नहीं सर। हम वैसे मोस्टली तो 9 जब शुरू होता था तभी हम देते थे टेस्ट, बट नहीं हुआ ऐसा कभी, सब सही था, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत थी नहीं, मिस था बस भाई, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया लगा बेटा दिनेश बात करके, और हम सब यही चाहते हैं कि ईश्वर इसी तरह से डॉक्टर दिनेश के साथ रहे हमेशा, और हमेशा डॉक्टर को हिम्मत मिलती रहे, ताकत मिलती रहे। और बाई चांस दिनेश पेरेंट्स है क्या कोई आसपास? नहीं सर अभी वो बाहर हैं। चलो मेरी तरफ से बहुत प्रणाम बोलिएगा उनको, क्योंकि जी सर आपको भी सर थैंक यू, आपको, अमित सर को, कुणाल सर को, राजीव धवन सर को, सलमान सर को, जो माइक्रो मतलब बिल्कुल नहीं थी पर सलमान सर ने अच्छा करवा दिया, बस सब ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, तो उम्मीद करते हैं बेटा कि जूनियर्स को इस कन्वर्सेशन से थोड़ा सा फायदा होगा, बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिनेश की तरफ से गया कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल लगे किसी भी वक्त अपनी हिम्मत मत तोड़ना, कभी भी डीमोटिवेट हो तो फैकल्टीज को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हो। एंड आई थिंक डॉक्टर दिनेश को पूरी मिस्ट की टीम, सब लोग और सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब डॉक्टर दिनेश के लिए विश करते हैं कि इसी तरह से डॉक्टर दिनेश ऊंचाइयों को छूते रहे, और अपना, थैंक यू सर, आपका और अपने टीचर्स का भी इसी तरह से नाम रोशन करते हैं।